ताजनगरी आगरा में मंगलवार से ऑल इंडिया मिनी फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। एकलव्य स्टेडियम में 16 राज्यों के मिनी फुटबॉल के खिलाड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। 16 राज्यों से मिनी फुटबॉल के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के पहले दिन मिनी फुटबॉल में दमखम दिखाकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। दर्शकों ने भी इसका खूब लुत्फ उठाया। एकलव्य स्टेडियम में पसीना बहा रहे दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से खेल जीतने को आतुर हो रहे थे। प्रतियोगिता का शुभारंभ राजेंद्र सचदेवा ने किया। मिनी फुटबॉल खेल में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। आज के मैच में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश ग्रीन को 10-0 से, असम ने मुंबई को 2-0 से, मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश ग्रीन को 4-0 से, महाराष्ट्र ने झारखंड को 2-0 से करारी शिकस्त दी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रंजीत चौहान के साथ हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट। इसमें टोटल 17 राज्य की टीमें आई हुई है और यहाँ पर लीग मैच अभी स्टार्ट हो गया सुबह से। और ये जो मिनी फुटबॉल हमारा जो गेम है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में हमारा हेडक्वार्टर है। 2012 में हमको अफिलेशन मिला है स्विट्जरलैंड से इंडियन मिनी फुटबॉल एसोसिएशन की बॉडी में। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा योगदान अनीस अहमद लारी का रहा, साथ में मेरा भी रहा। और यहाँ के कन्वीनर मोंटी लारी है और यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइज़र है राकेश बेदी मैम, तो ये लोग का सबका बहुत ज़्यादा सहयोग है। और यूपी के सेक्रेटरी हैं असलम वारसी साहब। प्लेयर्स में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्या लॉन्ग टर्म कोविड-19 के बाद? हाँ, लड़के लोग, वैसे तो मैं इंडिया का जो है पूरा इंचार्ज होने की वजह से कई लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे थे कि कब करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अब ये मैच यहाँ पे किया है। तो इसके लिए हमारे टीमें इंटरनेशनल में हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, मैं कई कंट्रीज जा चुका हूँ। और हमारा ये जो गेम है बेसिक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल बच्चों के लिए इम्प्रूव होगा इसे, इसी गेम की वजह से वो लोग मेन फुटबॉल में, हमारे कई बच्चे इंडियन टीम में खेल चुके हैं और खेलेंगे भी आइंदा। हमारी यही कोशिश रहेगी और हमारा यही है। मेरी फुटबॉल, हाँ, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनने का अवसर प्रदान किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बजाय इस बात के कहने की कि मैं कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बल्कि ये होगा कि मैं यहाँ पर बच्चों की प्रतिभाएं देखूँगा और मेरा इससे और भी इम्प्रूवमेंट होगा, तो मैं तो इसी एंगल से यहाँ पर आया हूँ। तो साल भर से ज़्यादा बीत गया कोविड-19 के बाद, अब जो स्टेडियम बंद थे, प्ले हैं, बच्चों को किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्या? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ एज एजुकेशनिस्ट कि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज चिल्ड्रन आर वेरी हाई, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी उसकी वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़ा। मैं समझता हूँ बच्चे इस बात का, जो उन लोगों ने सफ़र किया है पिछले 10-11 महीने से, ये अपने स्पोर्ट्स में और बढ़ा के कंट्रीब्यूशन अपने को साबित करेंगे कि उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आया है, जो उनका मानसिक प्रताड़ना हुई है और उनका मनोविज्ञान बिगड़ा है, वो एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसा चीज़ है जिससे जल्दी से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू।